वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। एनएम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स के साथ। सो रिसेंटली जेली जब लाइव होते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि कोच उनको अभी के टाइम पर क्या सजेस्ट कर रहा है एंड उनका क्या गेम स्टाइल रहने वाला है बीजेएमएस के लिए। साथ ही साथ वो यहाँ पर गॉड लाइक ट्रायआउट के बारे में भी बात करते हैं कि क्या कोई न्यू प्लेयर का एडिशन में गॉड लाइक में देखने को मिलेगा। क्या प्लानिंग है जेली, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग ऑन विद पंग? यार प्रिपरेशन तो मेरे अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। हम लोग जितनी फाइट्स हो सकते उतनी ज्यादा फाइट्स लेते हैं। कोच का भी यही बोलना है कि जितनी ज्यादा फाइट्स हो सकते उतनी ज्यादा फाइट्स लो, ट्राई करो कि तुम 8 किल मतलब 8 का जो एवरेज है उसको मेंटेन कर सको और किल के पॉइंट को, तो वही ट्राई कर रहे हैं हम लोग। जहाँ मेरे को फाइट मिलती है हम लोग ले लेते हैं अभी के लिए। तो बीजीएमएस में भी सेम ही प्लान है, क्योंकि बीजीएमएस में जितना मेरे को आइडिया है, लास्ट टाइम तो ऐसा था कि भाई 1 किल के 2 पॉइंट थे शुरुआत के जोन के, और हमारी हर जगह पर ड्रॉप क्लैश तो है ही, तो बढ़िया है। ड्रॉप क्लैच लेंगे मतलब चार चार, अगर किल भी उठाते हैं सोचो चार चार तो उसके डबल पॉइंट अगर मिलते हैं, अगर अभी वैसा ही रूल रहा पहले की तरह तो बढ़िया है ना हमारे लिए। मेरे हिसाब से तो अच्छा ही रहेगा ऐसा। गॉर्डन ट्रायआउट कौन है यार? दोस्त खेल रहा था आज, प्लेयर अवेलेबल नहीं थे ना तो वही कर रहे थे उनके लिए। तो ट्रायआउट ऐसा किसी का ट्रायआउट नहीं चल रहा था, वो स्ट्रेस मत हो तुम लोग, ट्रायआउट वाला कोई सीन नहीं था, बस वही था कि प्लेयर अवेलेबल नहीं था तो खिला रहे थे। बाकी मैनेजमेंट को बता दिया था हम लोगों ने, तो वैसा कुछ सीन नहीं है, बिना बताए कुछ भी किया हम लोगों ने। कोच का क्या सीन? कोच यार इधर ही है, बूट कैंप पे है हमारे साथ, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि नाम बताया तो तुम लोग उसके साथ ही वही करो, मुझे मेरे साथ हो रहा है ठीक है, तो रहने देते हैं, नाम नहीं बताते कोच का, बट इधर ही है कोच। अब मैनेजमेंट के ऊपर उनको रिवील करना रहेगा तो कर लेंगे, मतलब अनाउंसमेंट करनी रहेगी तो कर लेंगे, नहीं तो भाई मेरे अकाउंट तो नहीं नीचे, नहीं तो उसके साथ भी ऐसा हो जाएगा। सैक कोच अभी सिर्फ सैक जली चल रहा है, काफ़ी है ठीक है, मैं हैंडल कर लूँगा, और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, इसके लिए रहने देता है ना, रिवील नहीं करता, पर अपना काम कर रहे हो अच्छे से और ठीक है, जो भी वह देखा जाएगा। अभी इतना खराब कैसे खेल लिए तो हो, लिटरली हर वन इवन हग रहे हो यार, काफ़ी टाइम से तो मैं नहीं हगा भी, जितना मेरे को याद है यार मैं तो मार ही रहा हूँ आजकल, तो अच्छा खासा मार देता हूँ जो भी आता है उनको। बाकी ठीक है अभी धीरे धीरे करके शायद और इंप्रूवमेंट आ जाए, पर जितना मेरे को याद है मैं वन ईवन आज के एक मीरामार का मैच था जिसमें शायद हगा था, जब मैं पीछे दौड़ गया था, मेरे को नहीं दौड़ना चाहिए था वहाँ पर, रुकना रुक के फाइट लेनी चाहिए थी, बस वही था शायद। और तो मैंने 3-4 दिन से अच्छे मारो, वन ईवन तो हर बार निकाल ही दे रहा हूँ। प्लेइंग फोर बताओ, प्लेइंग फोर यही है क्या नाम अपना, पंक एडविनो जॉनी, मैं और बीच में लगेगा कि कुछ चेंजेस है तो कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग, ऐसे जरूरत पड़नी नहीं चाहिए अपने को, हो जाना चाहिए। जल्दी गॉड लाइक लीव मत करना यार, कुछ भी हो सकता है यार, किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता लीव कर दूं क्या पता ना करूं। और सो वही वीडियो में आगे बढ़े तो कल के दिन मैंने आपको बताया था दो टीम के बारे में, रेड डेविल्स और फ्यूचर एक्स गेमिंग, जिनके ऊपर काफी हैकिंग एलिगेशन लगे हैं एंड ये दो टीम बीजीएमएस के लिए क्वालिफाई करी हुई है। एंड ऑल्सो कल मैंने बताया था कि सरकार गेमिंग ने यहाँ पर नॉर्डविन से अपील करी है एंड आईजीसी से काफी सारे लोगों ने भी यार आवाज उठाई एंड यहाँ पर नॉर्डविन गेमिंग एक्शन लेते हुए नजर आएगी इन्वेस्टिगेशन के बाद एंड फ्यूचर एक्स गेमिंग को वो डिस्क्वालीफाई करते हुए नजर आ जाते हैं, विच मीन्स बीजीएमएस में जो स्लॉट उनको मिला था अब वो स्लॉट जाता है सरकार गेमिंग को एंड इसी चीज के ऊपर आईफ्लेट यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं। बट उससे पहले सरकार खुद यहाँ पर इस चीज पर बात करते हैं, थैंक यू कहते हैं नॉर्डविन को और आप सभी को, और सो आईफ्लेट भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हैं, उनका रिएक्शन भी ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। डिस्क्वालीफाइज फ्यूचर एक्स फ्रॉम बीजीएमएस 2024, सरकार गेमिंग विल रिप्लेस दैट स्लॉट। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो कुछ बंदे अभी भी टीएक्स से काफी ज्यादा जल रखे हैं और टीएक्स को ट्रॉल कर रहे हैं ये कह के कि टीएक्स एक नूब चैंपियन है एंड टीएक्स डज नॉट डिजर्व टू बी चैंपियन एंड फिक्सिस की लाइव चैट में जब वो जाकर के बोलते हैं देन फिक्सिस यहाँ पर ओपन एंड क्लियरली ये चीज बोलते हैं कि आप थोड़ी शर्म कर लो, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि स्टैट्स के अगेंस्ट जाकर के कुछ बोलना वो कोई सेंस या फिर लॉजिक नहीं बनाता है। थिंक बाय पीपल से व्हेन पीपल से टीएक्स इज फ्लूक चैंपियन, I don't even know who raised that statement, but whoever it is a dumb idiot, an absolute clown by all means. Fluke champion bhai, maza aata hai aisa sunke baatein, thodi to sharam kar le bhai, log itni si bhi sharam na hai। बाकी में वीडियो में आगे बढ़े तो यहाँ पर बीजीएमएस के स्लॉट को लेकर के ही मवी हमें काफी ज्यादा गुस्से में देखने को मिले थे एंड यहाँ पर वो स्टोरी अपलोड करते हुए नजर आ जाते हैं, क्या चल रहा है आजकल, किसी को भी स्लॉट दे रहे हैं क्या इतने बड़े टूर्नामेंट में? अंडरडॉग के लिए बुरा तो लग रहा है लेकिन उससे ज्यादा बुरा उन प्लेयर्स के लिए लग रहा है जो इस गेम को लास्ट 4-5 साल से ग्राइंड कर रहे हैं और एक अनडिजर्विंग आकर स्लॉट ले जा रही है। फेयर मीन से आता तो समझ भी आता, वेल यहाँ पर वो बात कर रहे हैं उन चीटर्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर एक्स गेमिंग और रेड डेविल्स की वो बात कर रहे हैं। और तो फ्यूचर एक्स गेमिंग को लेकर के तो जस्टिस हमें देखने को मिला, वो भी प्रॉपर जस्टिस नहीं, एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे। एंड रेड डेविल्स के अगेंस्ट कोई एक्शन में देखने को नहीं मिला एंड मवी लाइव भी इस चीज को एड्रेस करते हुए नजर आ जाते हैं। नाउ इट्स मोर बिजनेस देन स्पोर्ट्स, छोड़ो ना छोड़ो, क्या ये कह रहा है, क्या फायदा क्या, हमने एक बार अपने वो भाषण शेयर करनी थी कर दी, बाकी देखने वालों को सबको बताइए।
बाकी वही टी सेट को स्लॉट क्यों मिला है पीछे में, इसके अंदर कुछ लोगों ने सवाल रेस किया एंड उन्हीं लोगों के सवाल के ऊपर यहां पर हमें ऑफिशियली टी सेट की तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाता है, वो ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। हेटर्स क्यों रो रहे हैं स्लॉट मिलने पे? अरे भाई उनको पता क्या बोलना है, तुमने तुम्हें कोई हेटर मिले ना जो बोल रहे हैं कि स्लॉट क्यों मिला क्यों मिला, ऐसा टी सेट डिजर्व नहीं करती है, उनको बोलना कि स्लॉट मिल गया हम खेलने भी जाएंगे, टीवी पे देखना भी हमें, बस इतना बोलो, मिल भी गया जाएंगे भी और देखेंगे भी, चाहे डिजर्व करते हैं ना उन्हें, हमें मिल गया जाओ जी मारो तुम। बाकी मैं वीडियो में आगे बढ़े तो एस पावर का फेयरवेल यहाँ पर आईक्यू सोल से देखने को मिला एंड जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था वो कार्निवल स्पोर्ट्स ज्वाइन करने वाले हैं एंड वही होते हुए नजर आया। बाकी उन्होंने लीव क्यों करा उस चीज के ऊपर वो यहाँ पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं। सबका क्वेश्चन है, इन लोगों का भी क्वेश्चन है, सोल लीव क्यों किया? हमें तो बताया, तुम्हें तो बताया, लेकिन अब शुगर कोटेड टॉक्स मुझे जरा पसंद है तो इन शॉर्ट बता देता हूँ, रीजन ये था नहीं रे क्योंकि अंदर थोड़े बहुत टीम्स में बातें वगैरह हुई तो म्यूचुअली डिसाइड करके पार्ट वेज कर लिया दोनों ने अपना अपना साइड, तो रीजन वगैरह तो ऑफकोर्स टीम पे बता नहीं सकते, इतना कुछ बड़ा रीजन था भी नहीं यार। साथ ही साथ मायावी भी यहाँ पर बात करते हैं एस पावर वाले केस के बारे में कि एस पावर आखिरकार आईक्यू सो लीव करके क्यों गए, और सो यहाँ पर सौम्य के रिगार्डिंग भी रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। क्या ही बताऊं भाई, ये बंदा ठीक बोला है भाई, एक ही बात पूछे जा रहे हैं यार, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता ब्रो, और उसका अपना डिसीजन है, ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच सॉर्टेड है, चलने दो, आगे बढ़ना चाहिए यार, पीछे मुड़ के बार बार देख के फायदा थोड़ी होता है। कांग्रेचुलेशन सरकार, हाँ भाई सरकार भाई को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, भाई ने इन गेम और आउट गेम बहुत मेहनत करी है, इन गेम खेलने में और आउट गेम भी पूरा जी पावर लगा दिया भाई ने, एंड आई एम सॉरी यार सरकार, टू बी ऑनेस्ट मे बी दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, मैं हर बार तेरी हेल्प करी है जितनी बार भी तू प्रॉब्लम में रहा है, इस बार तेरे फोन आए थे मैं नहीं उठाया भाई, मैं बिजी भी था, मैं बाहर भी था और मेरे को पता था तो किस बारे में बात करनी है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उसमें ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाता यार, बट ग्लैड कि कम्युनिटी के लोगों ने आवाज़ उठाई और सबने सपोर्ट करा एंड जितना हम लोग कर सकते थे उससे कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा ही हो गया एंड फाइनली यू गॉट द चांस, तो सी यू एट द लैन ब्रो। तुम कब छोड़ोगे सोल? हम कब छोड़ेंगे सोल? ऐसे पूछ रहा है, कितना बदतमीज लड़का है यार भाई, मार मार खानी है क्या, कैसी बातें करता है यार। Although Nordwin ने जब एक्शन नहीं लिया था उससे पहले हमें काफी सारे रिएक्शंस और काफी सारी स्टोरीज देखने को मिल गई थी, उनके बारे में बात करें तो स्नेल सबसे पहले ये बोलते हैं, सबसे बड़ी आयरनी है उन लोगों को रोता देखने में जो खुद क्राफ्टन के प्रूवन हैकर्स को उनके बैन होने से पहले उन्हें खुला सपोर्ट कर रहे थे कॉमेंट्स और स्टोरीज डाल करके, जब अपने पे आती है बस तभी दर्द होता है लोगों को, वरना जब उन्हीं के दोस्त हैक करें तो उन्हें कॉल आउट करने वाला ही बुरा लगता है तब तक। बाकी रेड डेविल्स तो यार अभी भी बैन नहीं हुई एंड वो अभी भी खेल रहे हैं, सो वेल उसके रिगार्डिंग भी आईफ्लिक एक स्टोरी रिपोस्ट करते हैं जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहोगे, मतलब जो लेवल ऑफ स्पॉटिंग है भाई क्या ही बोले इसके बारे में, एंड आदि भी यहाँ पर इस चीज पर बात करते हुए नजर आ जाते हैं। मैच 4 तक 6 पॉइंट्स थे इनके और डे 1 लास्ट मैच में जादू ऑन करने के बाद एक गाड़ी में 4 बंदे सोलो बंदे पे स्लैम दे रहे, डे 2 सेनॉक में भी इनसे ही मरे, 10 सोलो किल कर रहे पर आज तक कभी दिखे नहीं। हैक सिर्फ एक टीम को इफेक्ट नहीं करता है, वेल इसी चीज की मैं बात कर रहा था, सारी लॉबी को इफेक्ट करता है, फेयर गेम प्ले के लिए ग्राइंड करते हैं सब, हर अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट होती है, हैकर की वजह से गेम डेड होता है, ऐसे अनफेयर पॉइंट्स टेबल की वजह से और जल्दी डेड होगा। एंड हमें कई सारी और स्टोरीज भी देखने को मिली जो कि ऑन स्क्रीन आप एक कोलाज में देख पा रहे होंगे। ऑल्सो एक शॉकिंग चीज हमें पता चली कि टीवीएस रेडर ऑफिशियल्स में टीम इंडियन फैल्कन क्यों नहीं खेल रही है। वेल अगर किसी को नहीं पता तो सरकार यहाँ पर इस चीज को एक्सपोज करते हैं कि टीम इंडियन फैल्कन वही टीम है जो कि फ्यूचर एक्स गेमिंग है, यानी फ्यूचर एक्स गेमिंग ने वन ब्लेड कप से जब क्वालिफाई करा बीजेएमएस लैन के लिए तो ऑब्वियस बात है वो इंडियन फैल्कन से क्यों ही खेलेंगे, यानी कि ये सेम बंदों ने दो अलग अलग टूर्नामेंट में रजिस्टर किया था एंड सेम प्लेयर्स वेयर playing from both the teams, although खैर इनको disqualify कर दिया गया है। Also K9 squad यहाँ पर post करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ हम discuss कर रहे हैं e-sports को कैसे grow करें, but दूसरी तरफ कुछ ऐसी teams suddenly आ जाती हैं किसी भी event में और पूरी lobby की धज्जियाँ उड़ा देती हैं। And इस situation काफी ज़्यादा worst होती जा रही है। And इन चीजों पर यार control बनाना पड़ेगा, otherwise ये चीजें और ज़्यादा मतलब बिगाड़ देंगी scenario को। Also coach Wade भी यहाँ पर बात करते हैं। It's just scary for the legit underdog players because उनको जो reward मिलना चाहिए उनके hard work के लिए वो कोई और चुरा करके ले जा रहा है, वो भी unethical way में। And huge respect for those players जो अभी भी अपने रास्ते से नहीं भटके हैं और उन्होंने कोई भी unethical रास्ता नहीं चुना है, वो अपने grind पर ही भरोसा करते हैं। And सवितार यहाँ पर एक point रखते हुए नजर आते हैं। इसी exact point की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि point starting से सिर्फ इतना है कि वो दो hacker की team
कितने टीम को अवली एलिमिनेट कर रहे हैं और उनके गेम पे इफेक्ट डाल रहे हैं। ये तो किस्मत की बात आ गई, जिनकी उनसे फाइट हो गई वो पॉइंट टेबल में नीचे आते गए। चार साल से गेम खेल रहे हैं और आप लोग देख रहे हो जो हैक करके खेल रहा होगा उसका गेम शायद स्ट्रीम पर दिख जाता है। इस बार भी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट बीएमपीएस में फिर यही होगा, किसी टीम के साथ जो सबको छोड़ के गेम पर फोकस कर रहे होंगे। वेल इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि ऑल द फ्यूचर इज गेमिंग डिस्क्वालीफाई हुई है, बट कई सारी टीम्स का उन्होंने गेम भी खराब करा है। तो अगर ये एक्शन स्टार्टिंग में ले लिया गया होता तो काफी चीजें बेटर होती और एक अनफेयर सीन यहाँ पर नहीं क्रिएट होता। ऑल्सो वॉन्टेड गेमिंग यहाँ पर इस चीज के बारे में बात करते हैं। Sometimes you wanna escape the reality, but you can't. Out from the final stage of BGMS LAN qualifiers, I have literally so many questions on this right now. Question regarding hacking scenario, question regarding invitation criteria, question regarding so-called growth of esports. Last BGMS भी 3 points से रह गए थे। सैगी भैया वाले ग्रुप में होकर कितनी बार और होगा, I don't know. Also video में आगे बढ़े तो हमें एक shocking चीज देखने को मिली। A die-hard fan of Jonathan got his tattoo on his hand. Well, एक tattoo आप Jonathan का देख पा रहे होंगे, उस बंदे ने अपने हाथ पर बनाया। और यार मेरे को एक लाइन याद आ रही है कि आप कितने भी बड़े डाई हार्ट फैन क्यों ना हो, बट ये चीजें मत करा करो। वैसे तो टैटू वाली चीजें नहीं करनी चाहिए, बट अगर कर भी रहे हो तो यार अपने रिगार्डिंग कुछ करो, अपने माँ बाप के रिगार्डिंग कुछ करो। दैट्स व्हाट आई फील। एंड इसी चीज के बारे में स्काउट, डायनेमो सबने बात करी थी। एंड इनफैक्ट जोनाथन ने भी एक टाइम पे बात करी थी कि डू व्हाट एवर यू वॉन्ट, बट अपने खुद के अलावा, खुद के माँ बाप के अलावा किसी का टैटू मतलब वो चीज अच्छी नहीं रहती है। बाकी इस पर्टिकुलर में सिर्फ इतना ही। मैं भी चलता हूं, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।